तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था, आप जब भी अपने हेयर सेट करते तो वो प्रॉपरली सेट नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको ऐसे तीन मेन रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से शायद आपके हेयर सेट नहीं हो पा रहे। तो आराम से बैठ जाओ और ये वीडियो एंजॉय करो। तो सीधा चलते वीडियो की तरफ। तो हमारे बाल हर रोज बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो एक दिन आ जाता है जब हमारे बाल प्रॉपरली सेट नहीं हो पाते और हमको लगता है यार क्या हो गया, ये आज प्रॉपरली बाल सेट ही नहीं हो रहा। हम पूरा दिन करते रहते हैं फिर भी सेट नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेन थ्री रीजन जिसकी वजह से आपके हेयर सेट नहीं हो पाते। मिस्टेक नंबर वन, आप जब भी शैम्पू करते हो उसके बाद आप हेयर ऑयल अप्लाई कर लेते हो। देखिए, शैम्पू करने के बाद पहले ही आपके हेयर से वो वॉल्यूम जा चुका होता है, आपके हेयर सेट नहीं होने वाले होते। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसके बाद भी हेयर ऑयल अप्लाई कर लेते हो। उससे क्या होता है, आपके हेयर प्रॉपर शेप में आ ही नहीं पाते और आप फिर पूरे दिन मेहनत करते रहते हो अपने हेयर्स को उस डायरेक्शन में बनाने के लिए जो आपकी पहले हेयर स्टाइल थी। आप जो हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो आप फिर पूरा दिन यूं करते रहते हो और आपके हेयर सेट नहीं हो पाते। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि शैम्पू के बाद आपको कभी भी हेयर ऑयल नहीं लगाना है, वरना फिर आप पूरे दिन करते रह जाओगे। हेयर ऑयल से अच्छा आपकी कोई वैक्स का यूज़ करो, वैक्स जैसे मैसी स्क्रंच हो गया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आपके हिसाब से आपको जो भी वैक्स अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हो। मिस्टेक नंबर टू, यहाँ पे जेल और वैक्स की बात आ चुकी है, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हो, इतना ढेर सारा जेल लेते हो या फिर वैक्स लेते हो और उसको फिर अपने हेयर में लगा लेते हो। इसको मैं कहाँ फेंकूं, चलिए, इतना सारा आप हेयर वैक्स लेते हो या फिर जेल लेते हो और अपने हेयर्स पे लगा लेते हो। इससे क्या होता है, आपके हेयर्स एक्सट्रीमली थिक हो जाते हैं और बहुत ग्रीसी हो जाते हैं, तो आपके हेयर स्टाइल बन नहीं पाती। तो एक लिमिट में वैक्स को यूज करो, जैसे कि एक आइडियल अमाउंट होता है इतना, इतने साइज में आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा फिर आपको नहीं जाना है। फिर आपके हेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके हेयर कितने लंबे, लेकिन बेसिकली क्या होता है, आप बहुत सारा वैक्स या फिर बहुत सारी जेल यूज कर लेते हो तभी आपके हेयर वो है जो कंप्लीटली सेट नहीं हो पाते। मिस्टेक नंबर थ्री, आप प्रॉपर हेयर प्रोडक्ट ही यूज नहीं कर रहे अपने हेयर को होल्ड देने के लिए। जैसे अगर मेरा इस टाइप की हेयर स्टाइल है तो मुझे चाहिए ये वाला वैक्स, मैसी स्क्रंच होगी, ये मैसी हेयर स्टाइल है, इसके अंदर मेरे को ज्यादा होल्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई और हेयर स्टाइल है तो आपको शायद फिर जेल की जरूरत होगी, या फिर आप अगर स्पाइक्स रखते हो या फिर आपके इस टाइप के हेयर्स है तो आपको फिर मैट एंड हार्ड इस टाइप के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। मतलब हर हेयर के लिए हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, अगर आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते तो आपकी हेयर स्टाइल जो आप सोच रहे हो वो बन नहीं पाती है। आई होप ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ऐसी और वीडियोज आती रहेगी। अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे कहीं पे मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूंगा। ऐसी और वीडियोज आती रहेगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।